विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सहाड़ा से समाजसेवी बद्रीलाल जाट को और वहीं राजसमंद से प्रहलाद खटाना को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि सुजानगढ़ सीट के लिए अभी देर रात्रि तक प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें जो चार उपचुनाव होने राजस्थान के अंदर, इनमें से तीन उपचुनाव अभी हो रहे हैं और एक उपचुनाव होना बाकी है। और पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम खम पे अकेले लड़ेगी। जो तीन उपचुनाव हो रहे हैं इसमें दो सीटों की हम अभी घोषणा कर रहे हैं और एक सीट की हम देर रात तक वहाँ हमारे पर्यवेक्षक गए हैं, बातचीत कर रहे हैं सारे लोगों को बिठा के। साड़ा की जो सीट है भीलवाड़ा के अंदर, साड़ा रायपुर, साड़ा से समाज सेवी बद्रीलाल जी जाट को उम्मीदवार बनाया गया सबकी सहमति से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की। और पिछले 15 दिन से हमारे लोग उस इलाके के अंदर जाके गांव-गांव डाणी-डाणी घूम के सबकी पसंद के उम्मीदवार की तलाश में थे। स्थानीय जो भी रहवासी हैं उनका एक ही मुद्दा है कि दोनों पार्टियां लगभग एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे का सहयोग कर रही है और आम आदमी जो भी है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमेशा एक ही चेहरा एक ही बार बार बदला जा रहा है और उसके अलावा पार्टी स्थानीय निवासी जो भी वो एक बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल या आरएलपी जो भी हैं वही ला सकते हैं, क्योंकि वो युवा हैं और इसमें सारी युवा शक्ति लगी हुई है और आज पूरे देश को युवा शक्ति की ही ज़रूरत है और युवा शक्ति के आवश्यकता होने के कारण ही उन लोगों ने ही मुझे यहाँ भेजा है और मैं उनकी जो आकांक्षा और जो भी उनकी है उसके ऊपर पूरा खरा उतरूँगा।